क्योंकि रात से सोशल मीडिया पे एक अजीब तरीके से रिपोर्ट हो रहा है और इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें आ रही थी, और मैं ये समझता था कि इन बातों को एक ऐसी एक न्यूज़ शहर में गर्दिश करनी शुरू हो गई थी जिसको क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग रात से तकरीबन कोई 10:30 बजे से लेके अभी तक इसी काम में थे, और डीसी साहब जो कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लाहौर थे तो वो भी इसी में शामिल थे। उनका पल पल में हमारे साथ उनका कॉन्टैक्ट है और तमाम तर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल भी किया जा रहा है। किस्सा कुछ यूँ था कि कल रात कोई 10 बजे के करीब एक पेशेंट एमरजेंसी में चेक इन हुई। उनकी उम्र कोई 65 साल के करीब थी और उनका नाम कनीज बीबी था। वो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में एक मोहल्ला है खोखराबाद, वहाँ की रहने वाली थी, और साथ उस वक्त जब वो प्रेजेंट हुई तो साथ उस वक्त उनके हस्बैंड उनके साथ थे। उनकी उम्र भी तकरीबन कोई 65 साल के करीब थी। उन्होंने हमें आते ही ये बताया कि जी हम लोग 26 फरवरी को ईरान से वाया क्वेटा आए और हम लोग यहाँ पे जो ही एंटर, बल्कि उन्होंने कहा हम 20 फरवरी को ईरान से क्वेटा आए हैं और क्वेटा से यहाँ पे हम आए हैं, और उस दिन से ये खातून बीमार है। और उनने ये खुद कहा कि हमें लगता है कि ये कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस का जो इनक्यूबेशन पीरियड है उसका असर करने का आखिर दम तक जाने का 14 दिन। जब हमने 20 तारीख का सुना कि वो 20 तारीख को आए हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अगर इनने 20 को बॉर्डर क्रॉस किया तो हो सकता है ये कोरोना वायरस ही हो। लिहाजा हमने उन्हें स्टार्ट में एज ए कोरोना वायरस सस्पेक्ट पेशेंट ट्रीट किया। उसका ये SOP था कि हमने फौरन आइसोलेशन रूम में उन्हें ले गए, उन्हें अलहदा कर दिया गया, और जितने भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो हमने मास्क वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए, ग्लव्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए, पेशेंट को भी दे दिया, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में ले गए। इस दौरान MS साहब उसको डील कर रहे थे, मैं भी आ गया था, मैं भी उसको देख रहा था, डॉक्टर्स हमारे बड़ी तुमदही से उसको डील कर रहे थे। उसका उस वक्त टेम्परेचर 104 था जब हमने चेक किया, लेकिन उसको जो हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स है उसमें उसको सांस की तकलीफ हल्की सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको छींकें आ रही थी, जुकाम लगा हुआ था, जिसम में बहुत दर्द था, 104 बुखार था उसको, लेकिन कंडीशन बाजार को ऐसी सीरियस नहीं लगती थी। लेकिन हमारा जो बिलीफ था वो उसके खामन की बात पर था कि हम 20 फरवरी को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, जिसकी वजह से मुझे सस्पेक्ट था कि ये मसला है। हमने DC साहब से भी राबता किया, उस वक्त उनकी भी हमने मशवरा लिया और उन्होंने हमें ये गाइड भी किया कि उससे एक दिन पहले सेक्रेटरी हेल्थ साहब के साथ वीडियो लिंक जो हुई थी उनने उसमें फरमाया था कि जब भी आपके पास कोई सस्पेक्ट पेशेंट भी आए तो हमारा जो HDU है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, वो सियालकोट में है, ख्वाजा सफदर टीचिंग मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल वहाँ पर। तो उनने ये कहा था कि आपके पास जब भी कोई सस्पेक्ट आएगा आपने उधर भेज देना। लिहाजा मुझे डी साहब ने यह हदायत की कि इस पेशेंट को अगर आप समझते सस्पेक्ट है तो उसको वहाँ दें। हमने उसको पूरा प्रोटोकॉल देने के बाद 112 से बात की, हमने उनकी एम्बुलेंस मंगवाई, पेशेंट को पूरी तरह देखा, एंड देन वी मैनेज टू शिफ्ट इट टू सियालकोट। जब वो पेशेंट, इस दौरान मैंने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून है हमारे, उनसे बात की, हमारे मोहसिन साहब है जो फोकल पर्सन है इसके, उनसे भी पंजाब में बात की, मतलब मैं सारी रात उनके साथ इंतजाज था, एडवाइजर था, उनने मुझे ऐसे ही गाइड किया काफ़ी ऐसे। हमने जब पेशेंट सियालकोट भेज दिया, वहाँ पे जाके सियालकोट जाके उस पेशेंट ने ये हिस्ट्री दी कि जी मुझे तो आए हुए 1 महीना हो गया पाकिस्तान, जो कि उसने हमें नहीं दी थी। इस बात पे सियालकोट वालों से कहा कि अगर आपको 1 महीना हो गया तो वो तो हम तो सिर्फ 14 दिन का ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, लिहाजा आप वापस चले जाएँ, आपको कोरोना वायरस से आप इफेक्टेड नहीं हैं। पेशेंट को वापस कर दिया गया। जब पेशेंट दोबारा सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुंचा तो मुझे सलाह मिली कि वो पेशेंट फिर आ गया। हमने जब उनसे रब्ता किया उन्होंने कहा यार इसकी तो इंक्यूबेशन पीरियड ही नहीं है, हम जा रहे थे 20 फरवरी की डेट पे जो हमें बताई गई थी। जब मैंने उनके बाबा जी को बुला लिया, उनके हस्बैंड को बुलाया, उनकी स्टेटमेंट ये थी जी मैं बड़ा परेशान सा, मैंने तो समझ नहीं आ रही मैं की दसा, मैंने तारीख याद नहीं सर। बाई दैट टाइम उन्होंने सियालकोट से कन्फर्म किया, उन्होंने कहा जी आए हुए 1 महीना हो गया, जो कि बाबा जी हमें गल बता रहे थे, और अल्टीमेटली मैंने उनसे स्टेटमेंट लिखवाई भी है कि जी हमने इनको डेट गलत बताई थी, परेशानी में हमसे गलती और हमने डेट गलत बताई, उसकी वजह से ये सारा फर्स्ट डेट हुआ, क्योंकि जब हमने वो डेट देखी जो बताई गई थी उसके हिसाब से तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में आती थी, इसलिए हमने रख ली। जब सियालकोट से वापस आई तो फिर हमने इनका पासपोर्ट उगा लिया, ठीक है जी। जब हमने पासपोर्ट उगाया तो हमें पता चला कि ये 6 जनवरी को
ईरान गए थे और ये 26 जनवरी को ईरान से वापस आए। अब 26 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक तो तकरीबन एक माह और पांच दिन बन रहे थे, लिहाजा वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लिहाजा हमने उनको भी डिक्लेयर कर दिया कि ये कोरोना वायरस का सस्पेक्ट केस नहीं है जो कि कन्फर्म था कि नहीं है। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि हम अब घर जाना चाहते हैं, वो भी हमने उनसे तहरीर लिखवा ली कि हम अपनी मर्जी से घर जाना चाहते हैं, हम जा देना चाहते हैं। ये जो उन्होंने ये भी हमें लिख के दे दिया कि जी हमने गलती से आपको गलत बता दिया था जिसकी वजह से सारी पॉपुलेशन हुई। अब हमने पेशेंट को, हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी देखा, अब हमने अपने पेशेंट को घर भेज दिया, उसको हमने पाँच दिन की दवाई दी है और उसको हमने ये भी कहा है कि आप इन पाँच दिनों में ज़रा काइंडली अपने घर तक मौजूद रहें, हमारा अपना बंदा डेली जाके उनको घर पर चेक करेगा ताकि उनकी मूवमेंट कम रहे और वहीं पे जाके उनको इंजेक्शन दे दिया जाएगा। पाँच दिन के बाद हमारा दोबारा रब्ता होगा उनसे। कल कमिश्नर साहब की एक वीडियो लिखी थी जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी अटेंड की थी, मैंने भी अटेंड की थी, इस सारी सूरत हाल में डी सी साहब इन पिक्चर थे और पल पल पर वो हमसे पूछ भी रहे थे, वरिड भी थे और हमें हदायत भी दे रहे थे। उसका जो कमिश्नर साहब के साथ वीडियो लिखी थी उसमें उन्होंने हमें चंद हदायत दी जिन पर हमने, मैं आपको बता दूँ जो स्टेप लिए गए। नंबर वन, 1112 की दो एम्बुलेंसेज फिक्स कर दी गई हैं फॉर कोरोना वायरस सस्पेक्ट पेशेंट शिफ्टिंग। सही, दो एम्बुलेंसेज, उन दो ड्राइवर्स के नॉमिनेट नाम भी कर दिए गए हैं और उन दो के जो हेल्पर्स हैं उनके भी नॉमिनेट हो गए हैं। उनका काम सिर्फ ये होगा कि जब भी कोई ऐसा सस्पेक्ट आता है और हमें सियालकोट या कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है तो उसको फौरन से पहले वो ले लेंगे और हम उन्हें PPE जो कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनके जो ड्राइवर साथ जाए, उनके साथ जो उनका स्टाफ जाए या हमारा भी बदला जाए तो वो पूरी तरह सेफ हो अपने उस पेशेंट के साथ ट्रेवल करने। नंबर वन, हमने अपना हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो सस्पेक्ट पेशेंट्स के लिए एक आइसोलेशन वार्ड था उसको यहाँ से शिफ्ट करके न्यू हॉस्पिटल में ले गए। एक तो हमने बड़ा कर दिया, वो तकरीबन 8 बेड का हमने बना दिया, वहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी हमने पहुँचा दी है और आज सारे दिन में हमने यही काम किया कि उसको हमने एक्टिव किया। सही, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सस्पेक्ट पेशेंट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा शोर बढ़ जाता है एक मिनट में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्राउडेड एरिया, वहाँ पे एक तो वो सेफ रहेगा, सस्पेक्ट आराम से अलग आइसोलेशन मिलेगा। तीसरा जो हमने किया, हमने एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना ली अपनी DHU हॉस्पिटल में, उसका काम, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, उसमें नर्सेज भी शामिल है, उसमें डिस्पेंसर भी शामिल है। उसका काम ये होगा कि अगर कोई सस्पेक्ट पेशेंट आता है तो वो ट्रेन लोग हैं वो एक मिनट में आके उसको देख के एडजस्ट करके जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं SOPs हैं उनके मुताबिक पेशेंट को चेक करके और आगे वो उसको देख के फिर डिसाइड करेंगे इसको शिफ्ट करना चाहिए हिस्ट्री के मुताबिक, हिस्ट्री लेगी इसकी मूवमेंट हिस्ट्री क्या है, टर्मिन हिस्ट्री क्या है। उसके साथ साथ हमने अपने प्रोटेक्शन जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो हमने सारा गैदर करके सेंट्रलाइज करके CEO ऑफिस और DHU में पहुँचा दिया, जो कि हमारे पास अभी N95 एक कैप होती है, मास्क होता है जी जी। वो अभी हमें अवेलेबल नहीं हो रहा कहीं से भी, उसको भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स हैं, गाउन्स हैं, शूज़ हैं, ग्लव्स हैं और मास्क है, ये हमारे पास अवेलेबल है इन गुड डब्बर। और हमने कल मीटिंग की थी ड्रग एसोसिएशन के साथ, आपको पता ही होगा कि चूँकि आजकल शॉर्टेज हो गई है मास्क की तो उन्होंने वो डब्बा जो तकरीबन 150 रुपये का था वो 450-600 का चला। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली फॉर नेशन सेक, ये कॉम पे एक इब्तदा का वक्त है तो आप इस किस्म के व्यक्त ना करें, तो ही दे वर वेरी पॉजिटिव, उन्होंने कहा था कि हम लोग 2019 दिसंबर की प्राइस पे ही वो जो मास्क है बेचेंगे, वो 5 रुपये का उस मास्क करता था। अभी शहर में बहुत सी जगह पे पैनाफ्लेक्सिस लग गए कि यहाँ पे मास्क अवेलेबल नहीं।